In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum, dear students. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures. Dear students, this is the lecture of grade 1, English, unit number 5, and the unit name is Picture Story, Playing Cricket. Picture Story is the title of this unit and Playing Cricket is the subtitle of this unit. Dear students, this is our third lecture. Students, today we will learn read the lesson and question answers of this lesson and speaking and listening part of this lesson. First of all, dear students, write down index, write down serial number, date, and topic which is playing cricket. Dear students, before we begin, please make sure that you have your English student book, notebooks, and your complete stationery available with you. Listen to the teacher carefully. Follow all given instructions. Dear students, please write with a sharp pencil. You can pause the video and listen to it as many times as required. Students, do your work neatly. Okay, now students, we will start our lesson. Picture story means presenting a story through images. पिक्चर स्टोरीज का मतलब होता है कि कोई स्टोरी हो और उसको हम इमेजेस के थ्रू शो करें, पिक्चर्स लगा कर शो करें और उसी को रीड करें पिक्चर्स के थ्रू, तो वो होती है पिक्चर स्टोरी. इन दिस लेसन प्लेइंग क्रिकेट देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ क्रिकेट मैच. सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन अ ग्राउंड, द चिल्ड्रन आर फ्रेंड्स. सो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है हमारा प्लेइंग क्रिकेट, ये बेसिकली पिक्चर स्टोरी है जो कि एक क्रिकेट मैच के बारे में स्टोरी है. और इस स्टोरी में कुछ चिल्ड्रन है एक प्ले ग्राउंड में क्रिकेट प्ले कर रहे हैं और वो चिल्ड्रन आपस में फ्रेंड्स हैं. सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 26 फ्रॉम स्टूडेंट्स बुक. नाउ रीड द लेसन विद द टीचर. So students, write down date which is May 7, 2021, classwork, and day on the top of your page number 26. Now students, on page number 26 we will learn the speaking part of this lesson. Here the first picture has been drawn in which a boy is riding a cycle. सो स्टूडेंट्स, इस स्पीकिंग पार्ट में हम कुछ वर्ब्स देखेंगे. और पहले पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बॉय है हु इज़ राइडिंग अ साइकिल. द फर्स्ट इज़ राइड, द सेकंड वन इज़ अ गर्ल विच इज़ हु इज़ वॉचिंग टीवी. सो द सेकंड वर्ब इज़ वॉच. द थर्ड वन इज़ प्ले. इस थर्ड पिक्चर में स्टूडेंट्स, एक गर्ल है जो कि एक ड्रम को प्ले कर रही है, बजा रही है उस ड्रम को, म्यूजिक प्ले कर रही है. इन द फोर्थ पिक्चर अ बॉय इज रीडिंग अ बुक. सो द वर्ब हियर इज रीड. एंड द लास्ट वन इज स्किप. एक गर्ल है जो कि स्किपिंग कर रही है, रस्सा कूद रही है. और इस पिक्चर में जो वर्ब शो किया गया है दैट इज स्किप. नाउ स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 26 वी विल लर्न द रीडिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन विच इज प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट. एंड दिस इज अ पिक्चर स्टोरी. द फर्स्ट पिक्चर ऑफ दिस स्टोरी इज हियर वी आर वॉचिंग द फर्स्ट पिक्चर. इस पिक्चर में एक जो बॉय है जो कि येलो शर्ट में आपको नज़र आ रहा है वो बैटिंग कर रहा है, और एक बॉय पर्पल शर्ट में जो बॉय है वो बॉलिंग कर रहा है, बॉल को थ्रो कर रहा है ताकि जो उसका फ्रेंड है वो वहाँ से बैट को हिट करे और रन बनाए. इन द सेकंड पिक्चर द बॉय इज़
हिटिंग द बॉल विद हिज बैट। सेकंड पिक्चर में जो बॉय है वो उस बॉल को अपने बैट से हिट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, पहले हमें स्टोरी पता चली कि कुछ स्टूडेंट्स, फर्स्ट पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है कि कुछ चिल्ड्रन हैं जो कि आपस में फ्रेंड्स हैं और वो क्रिकेट प्ले कर रहे हैं। एक बॉय बॉलिंग करवा रहा है और दूसरा बैटिंग कर रहा है। सेकंड पिक्चर में जो बॉय बैटिंग कर रहा है, हिट कर रहा है बॉल को अपने बैट के साथ, वो दिखाया गया है। इन द थर्ड पिक्चर वन बॉय इज़ कैचिंग द बॉल। जो अब सेकंड बॉय था, चिल्ड्रन था, उसने बॉल को हिट किया था अपने बैट के साथ और उसके बाद उसका एक और फ्रेंड है, उसने उस बॉल को क्या किया, कैच कर लिया। आफ्टर दैट द बॉय हु कॉट द बॉल इज़ नाउ बैटिंग। अब जिस बॉय ने कैच किया था बॉल को, वो उसका फ्रेंड अब बैटिंग कर रहा है। उस और जो सेकंड बॉय येलो शर्ट में बॉय है, वो बॉल को थ्रो कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है। इन द फिफ्थ पिक्चर वी आर वॉचिंग अ बॉय हु इज़ हिटिंग द बॉल विद हिज बैट। अब जिस बॉय को बॉलिंग करवाई जा रही थी, अब वो बैट के साथ उस बॉल को हिट कर रहा है, बैटिंग कर रहा है। एंड नाउ इन द लास्ट पिक्चर ही इज़ रनिंग टू मेक रन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट पिक्चर में वो जो बॉय था जो बॉल को हिट कर रहा था अपने बैट के साथ, बॉलिंग बैटिंग कर रहा था, अब वो रन्स बनाने के लिए भाग रहा है। सो स्टूडेंट्स, हमें स्टोरी पता चली कि कुछ चिल्ड्रन थे वो आपस में फ्रेंड्स हैं और वो एक ग्राउंड में क्रिकेट प्ले कर रहे हैं और एक बॉय बैटिंग कर रहा था, दूसरा बॉलिंग कर रहा था। जो थर्ड बॉय था, उसने उस बॉल को कैच कर लिया और उसके बाद उसकी अपनी बारी आ गई कि वो बैटिंग करे। अपनी टर्न पे उसने बैटिंग की, बॉल को हिट किया और रन बनाने के लिए भाग गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आई होगी स्टोरी की। नाउ वी विल learn the question answers of this lesson. The first question is, what are the children doing in each picture? अब स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि हर एक पिक्चर, आपको इस स्टोरी में 6 पिक्चर्स दिखाई गई हैं और हर एक पिक्चर में हर एक जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है। द आंसर इज द फर्स्ट पिक्चर, द फर्स्ट पिक्चर शोज बॉलिंग। द सेकेंड वन इज़ बैटिंग। जो सेकेंड पिक्चर में बॉय है वो बैटिंग कर रहा है। इन द थर्ड पिक्चर द बॉय इज़ कैचिंग द बॉल। इन द फोर्थ पिक्चर द बॉय इज़ बाउलिंग और थ्रोइंग द बॉल। इन द फिफ्थ पिक्चर द बॉय इज़ हिटिंग द बॉल विद हिज बैट और बैटिंग। And in the last picture, the boy is running. Now our second question is, match one of these verbs to each picture. अब कुछ verbs दिए गए हैं, आपने उन pictures के साथ उनको match करना है। First one is catching. So students, catching किस किस picture में हो रही है? Catching हो रही है picture number 3 में। तो आपने picture number 3 के साथ कैचिंग को मैच करना, जहाँ कैचिंग राइट किया हुआ है वहाँ आप 3 राइट कर देंगे। इसके बाद बैटिंग, बैटिंग जो है वो पिक्चर नंबर 2 में शो हो रही है, तो आपने बैटिंग के ऊपर ही राइट कर देने हैं 2। थ्रोइंग, नाउ थ्रोइंग, जो थ्रोइंग है वो पिक्चर नंबर 1 में शो हो रही है, तो आपने थ्रोइंग के ऊपर राइट करना है 1। एंड लास्ट वन इज रनिंग। सो स्टूडेंट्स, जो रनिंग है वो 6th पिक्चर में शो हो रही है, आपने लास्ट पिक्चर जो है 6 राइट करना है रनिंग के ऊपर। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डू यू थिंक अरसलान फील्स व्हेन हिज फ्रेंड एसन फील्स व्हेन हिज फ्रेंड अरसलान कैचिज द बॉल। सो स्टूडेंट्स, जब अरसलान जो कि एसन का फ्रेंड था, उसने बॉल को कैच कर लिया था, तो एसन को कैसा फील हुआ था?
द आंसर इज डिसअपॉइंटेड. जो एसन था वो बहुत डिसअपॉइंट हो गया था, बहुत मायूस हो गया था कि मेरे फ्रेंड ने मेरी बॉल को कैच कर लिया है, अब उसकी टर्न खत्म हो गई है. सो ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड. नाउ ऑन पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 4, राइट 4 सेंटेंसेस बिगिनिंग. नाउ स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर 28 आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट 4 सेंटेंसेस बिगिनिंग. आई लाइक टू प्ले. अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ 4 सेंटेंसेस दिखाए गए हैं इस पेज नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. द फर्स्ट वन इज आई लाइक टू. आपने यहाँ कोई भी वर्ब राइट कर देना है. आई लाइक टू प्ले. द सेकेंड सेंटेंस आई डू नॉट लाइक टू. आपको क्या करना नहीं पसंद. आई डू नॉट लाइक टू फाइट. इन द थर्ड सेंटेंस आई कैन. अब स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ कुछ भी राइट कर सकते हैं जो कि काम आपको इजीली आता हो. सो यू कैन राइट राइट. आई कैन राइट. एंड द लास्ट वन इज आई कैन नॉट. आप क्या नहीं कर सकते. आई कैन नॉट राइट. स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो 3 ही करवाए गए हैं क्लास वर्क में, तो बाकी 3 आपको होमवर्क में दिए जाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर डायरी, राइट डाउन डेट सब्जेक्ट एंड राइट डाउन योर डायरी. डियर स्टूडेंट्स डू स्टूडेंट बुक पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ऑन योर इंग्लिश होमवर्क नोटबुक. स्टूडेंट्स आपको 3 क्वेश्चंस करवाए गए थे पेज नंबर 27 पे यूनिट नंबर 5 के क्लास वर्क में, फर्स्ट 3, 1, 2, 3. और जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हैं वो आपने अपनी इंग्लिश की होमवर्क नोटबुक पर राइट करने हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक अप अ सेंटेंस टू गो विद ईच पिक्चर. हर पिक्चर के साथ आपने कोई सेंटेंस मेक करना है. द नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू थिंक माइट हैपन नेक्स्ट. आपने फिर बताना है कि आपको क्या लगता है कि 6 जो पिक्चर थी उसके बाद स्टोरी में क्या हुआ होगा. एंड द लास्ट वन इज ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. राइट अ सेंटेंस टू गो विद इट. लास्ट में आपने राइट करना है कि नेक्स्ट क्या हुआ होगा और आपने उसी के अकॉर्डिंगली एक सेंटेंस भी राइट करना है. एंड स्टूडेंट्स डू वर्कबुक पेज नंबर 18 एंड 19. सो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ आवर लेसन. गुड लक. अल्लाह हाफिज़.